हेलो गाइज, स्वागत है मेरे चैनल CELT सिविल इंजीनियरिंग लैब टेस्टिंग। गाइज आज अपन करेंगे GMM बैक कैलकुलेशन। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बताऊंगा गाइज, ज़्यादा आसान है बहुत। गाइज पहले तो अपन को लेना है वेट ऑफ फ्लास्क प्लस कोर। फ्लास्क का हमारे वेट है वो है 60 ठीक है गाइज। उसके बाद है वेट ऑफ फ्लास्क प्लस कोर प्लस वाटर, बोले तो इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 32 25। हमारे पास छोटी वाली है, छोटी वाली फ्लास्क है 3000 वाली, उसका हमारे पास ये वॉल्यूम है गाइस। अब अपन को क्या करना है गाइस, वेट ऑफ सैंपल निकालना है। वेट ऑफ सैंपल वाटर और फ्लास्क ये तीनों निकालना है, और टेम्परेचर ऑफ वाटर ये तो अपन को पता ही है गाइस, अपन लिख लेंगे यहाँ पे 25 डिग्री रहता है नॉर्मल वाटर का। अभी वेट ऑफ रिप्लेस वाटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले तो GMM। अभी GMM मुझे कितना रखना है गाइस, जैसे मुझे रखना है यहाँ पे 2.550 ठीक है गाइस। लिखना नहीं है क्योंकि कभी कभी वेरिएशन भी आ जाता है अपना, तो उस हिसाब से अपन को करना है। अब मुझे वाटर यहाँ मानना है कि वेट ऑफ रिप्लेस वाटर, ठीक है गाइस, ये मैं अपने मन से मान लूँगा। कैसे मानूँगा, 2.550 ठीक है गाइस, 2.550 मल्टीप्लाई 640 ठीक है गाइस, 1632 अपना आ जाएगा सैंपल वेट। अब अपन को क्या निकालना है, वेट ऑफ फ्लास्क वाटर और सैंपल तीनों का निकालना है। तो क्या करेंगे गाइस, इसमें प्लस वॉल्यूम कर लेंगे और माइनस कितना पढ़ना था अपन ने 640, तो इसमें से माइनस 640 कर देंगे 42 17 ठीक है गाइस। और 640 अपन इधर लिख लेंगे कि इतना अपने माना है। अब क्या करेंगे गाइस, 1632 भाग 640 ये अपना 2.550 आ गया गाइस। ऐसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ गाइस, 10 8 यहाँ लिख लूँगा, 32 25 यहाँ लिख लूँगा, और यहाँ पे मुझे अभी कितना चाहिए 2.560 ठीक है गाइस। एक बार रीचेक भी करना है कि अपन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं गाइस, इसलिए आप रीचेक करते रहना। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को एकदम सही से देखना है। अगर आप स्किप करोगे तो वीडियो पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वीडियो बिल्कुल एकदम कम टाइम में फुल नॉलेज वाला बताता हूँ। 2.560 मल्टीप्लाई 600 1536 अपना वेट आ गया। बिल्कुल आसान है गाइस, आप एक बार अगर इस वीडियो को सही से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी अपन को तीनों का वेट निकालना है, तो सैंपल वेट जो अपना आया है 1536 प्लस वॉल्यूम 3225 माइनस अपन ने कितना 600 माना था, तो माइनस 600 41 61 आ गया। अभी 41 61 600 के यहाँ लिखना ही है अपन को, लेकिन एक बार और क्रॉस चेक करना है। वो कैसे करोगे, 41 61 माइनस 1536 माइनस 3225 600 आ रहा है, इसका मतलब अपना सही है। अब 600 आ रहा है मतलब अपना जो 1536 भाग 600 2.560 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कंफर्म कर लेना है, और दोनों का एवरेज लिख लेना है गाइस। 2.550 प्लस 2.560 डिवाइड बाय 2 2.555 ये अपना GMM हो गया है गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।